3000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने पडरा स्थित पटवारी के आवास पर की कार्यवाही। गुरुवार को सुबह 12 बजे विंध विहार कॉलोनी के पास लोकायुक्त की कार्यवाही ने अफरा तफरी का माहौल निर्मित कर दिया। लोकायुक्त ने पटवारी हल्का 16 अंबा प्रभारी पटवारी पैपखरा लाल बहादुर कोल को ग्राम अंबा के धर्मपाल सिंह पटेल की शिकायत पर 3000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी लाल बहादुर धर्मपाल की जमीन जो कि आपसी बंटवारे की थी के रिकॉर्ड को कंप्यूटर में फिट कराने के एवज में 10000 रुपए मांग रहा था। धर्मपाल 7000 रुपए की रकम पहले ही दे चुके थे। जब कोई काम नहीं हुआ तो वह लोकायुक्त के पास जा पहुंचे। लोकायुक्त ने शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पटवारी के विंध विहार स्थित किराए के मकान में 3000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस बारे में रीवा दर्शन ने शिकायतकर्ता धर्मपाल सिंह व लोकायुक्त DSP देवेश पाठक से बातचीत की। मैं पटवारी साहब के लिए अपने जमीन की फाट भाइयों से अलग अलग करवाने के लिए आवेदन दिया था। उसके अलावा पटवारी साहब साल भर से आजकल लगाए हुए 50 बार आ चुके हैं। परेशान होकर हमको ये कदम उठाना पड़ा। 10000 रुपये भी मांगे थे तो जिसमें 7000 दे चुके हैं, 3000 बाकी कहते हैं कि वो पैसा दो तो हम काम करके पैसा दिए। और हम रिश्वत देना नहीं चाहते थे, हम पकड़वाना चाहते थे, पकड़वा दिए। पूरा प्रकरण ये है कि ग्राम अमवा के धर्मपाल सिंह पटेल हैं, उनने जमीन का आपसी बंटवारा करवाया था। वहाँ के पटवारी लाल बहादुर कोल हैं, उनने आपसी बंटवारा करने के लिए और उनका पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए, कंप्यूटर में फीड करने के लिए उसे 3000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पटेल जी द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई, नवागत पुलिस अधीक्षक द्वारा हम लोगों को सत्यापन के लिए आदेशित किया गया। सत्यापन करने के उपरांत हम लोगों ने पाया कि आरोप में दम है। इसके बाद आज पटवारी लाल बहादुर कोल को 3000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 का के तहत कार्यवाही की जा रही है।